हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। चलते देखते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं अकाउंटेंसी डॉक्टर एस के सिंह क्लास 11। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मैं बताने वाला हूं ये बिल्कुल डिमांड पर है, क्योंकि कल ही कमेंट आया था एक बंदे का, एक स्टूडेंट का आया था कि भाई सिंगल एंट्री सिस्टम का सर प्लीज़ बताइए। तो भाई फटाफट से मैं बता देता हूँ बिना किसी देरी के। इसलिए कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी आपको क्वेश्चन चाहिए, कोई भी चैप्टर का चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजा कीजिए, जैसे उस बच्चे ने किया था, उस लड़के ने किया था। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आप लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 को अपने अपने बुक से मिला लीजिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सिंगल एंट्री बुक देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह का बना लेंगे, पार्टिकुलर इधर अमाउंट बना लेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम है तो थोड़ा अलग है, समझ लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 29,000 रुपया है। 29,000 रुपया में से हम लोग ऐड कर देंगे ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ होगा वहाँ पर, 3,000 रुपये जोड़ लेंगे, 32,000 रहता है। लेस कर देंगे एडिशन टू द कैपिटल 750 रुपया, 31,250 रहता है। लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल 17,000 रुपया, यहाँ पर 14,250 रुपया हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है। आप लोग फटाफट से अपने अपने स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 अपने अपने बुक से मिला लीजिए फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अपना अपना आंसर देख लीजिए। लॉस है 2,000 रुपया, है ना। चलिए देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। क्लोजिंग कैपिटल दोस्तों देख सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 60,000 रुपया है। ऐड कर देंगे ड्रॉइंग, 500 रुपया पर मंथ है तो 12 मंथ में 6,000 रुपया हो जाएगा, जोड़ने पर 66,000 रुपया जाता है। लेस कर देंगे एडिशन ऑफ द कैपिटल 10,000 रुपया, 66,000 में 10,000 रुपया घटाने पर 56,000 रुपया आ जाता है। फिर लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक 58,000 रुपया। दोस्तों माइनस मार रहा है, 56,000 में से 58,000 घटाते हैं तो माइनस 2,000 रुपया रहा है, कहीं ना कहीं हमारा लॉस फॉर द ईयर हो गया है। इसका आंसर आप बिल्कुल मिल चुका है। आप लोग फटाफट से अपने अपने मोबाइल से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलते हैं बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कपिल वाला है, देख सकते हैं, पढ़ लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग कैपिटल है 18,700, ये है ओपनिंग कैपिटल, और ये हमारा ड्रॉइंग है 18,420, ये हमारा जो एडिशनल कैपिटल है 2,000 में से 2%, 2,040। और देख लीजिए, और यहाँ बोल रहे हैं, और जो ये बनाने बोल रहे हैं यहाँ पर प्रीपेयर स्टेटमेंट सीधा, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 5,880 आता है। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों यहाँ हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल निकल चुका है फटाफट से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक मैंने जो बोला था 18,700 रुपया, ऐड कर देंगे ड्रॉइंग 8,420, यहाँ पर 27,120 आ जाता है। तो लेस कर देंगे एडिशनल ऑफ द कैपिटल 2%, 2,040 आ जाता है, 25,080 आ जाता है घटाने के बाद। फिर लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि सॉरी कैपिटल लिखा था यहाँ पर, कैपिटल लिखा है क्लोजिंग कैपिटल 18,700, है ना। ऐड कर देंगे ड्रॉइंग 8,420, 27,120, लेस कर देंगे, मैं दोबारा से बता रहा हूँ देख लीजिए, 2,040, 25,080, फिर लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल 19,200, 5,880 आ जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों आज हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, है ना। तो आज हम लोगों ने इतना देख लिया है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।